हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ यामाहा R15 बेस्ड NMAX 155 मैक्स स्कूटर के बारे में, जिसके अंदर के न्यू कलर्स लॉन्च किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ इसके अंदर हमें कौन से न्यू कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये मैक्स स्कूटर है वो हमें 3 वेरियंट्स में अवेलेबल देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड वेरियंट, कनेक्टेड वेरियंट एंड कनेक्टेड विथ ABS वेरियंट। तो फ्रेंड, इसका जो ओनली कनेक्टेड वेरियंट है उसके अंदर हमें न्यू प्रेस्टीज सिल्वर एडिशन देखने को मिला है, जिसके अंदर कि हमें मैट सिल्वर एंड ग्लोस ब्लैक फिनिश्ड बॉडी वर्क देखने को मिला है। और फ्रेंड, उसके अंदर हमें ब्रश्ड गोल्ड फिनिश्ड एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स के अंदर LED लाइटिंग देखने को मिलती है। और फ्रेंड, अगर बात करूँ स्कूटर के इंजन के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि हमें यामाहा YZF R15 B3 का ही देखने को मिलता है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और फ्रेंड, इस स्कूटर के अंदर हमें 15.2 BHP का पावर आउटपुट एंड 13.9 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। और फ्रेंड, अगर बात करूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें ड्यूअल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, ये हमें इंडिया में किसी भी टाइम पे लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जिसके अराइवल है वो हमें डिफिकल्टी से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।